हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फाथ वन एक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम रिएक्शन देने वाले थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो के ऊपर, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के नेशनल एंथम के ऊपर जो मैंने रिएक्शन दिया था, तो उसमें एक रिक्वेस्ट आया था कि भाई आप सिर्फ ओनली नेपाल के नेशनल एंथम के ऊपर रिएक्शन दो कि कैसा लगता है आपको। आज मैं दो वीडियो लेके आया हूं नेशनल एंथम के, एक जो है ना आर्मी वाले बजा रहे और एक जो है ना वैसे ही जो नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में होती है नेशनल एंथम, तो उसको हम देखेंगे, उसके ऊपर रिएक्शन देंगे कैसा लगता है हमें नेपाल का नेशनल एंथम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों वीडियो को ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फुंगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो फुंगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला बिरहरूका रागपानी शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आर्मी वाली तो भाई मैंने नेशनल एंथम ऑफ नेपाल के ऊपर रिएक्शन दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे से। हमारा पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है वो फारसी में लिखा गया, हालांकि पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज जो है, पाकिस्तान की कौमी जुबान जो है वो उर्दू है और हमारा जो नेशनल एंथम है वो फारसी की जुबान में। हालांकि पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो फारसी में लिखा गया वो फारसी में है, फिर भी जो है ना बहुत ईजिली हम तो कहते। तो इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नेपाल का किस तरह नेशनल एंथम होगा। फिर भी हर कंट्री का नेशनल एंथम वो एक रिस्पेक्टफुली होता है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान या नेपाल को, हर कंट्री जो भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज होती है। आई एम श्री मूवी, सॉरी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरा सेटअप ऐसा है कि अगर मैं नेशनल एंथम के लिए खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि दिल पे हाथ रखते इधर और नेशनल एंथम के लिए खड़ा हो जाते हैं, मतलब मीन्स के यार अगर आप खड़े उस एक्सपेक्ट होती है इस एक चीज़ की, तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ कि मेरा सेटअप ही ऐसा है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होऊंगा तो फिर मेरी वीडियो कट जाएगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आर्मी वाले वो अपने बैंड बाजे में जो इनका बैंड होता है उसमें अगर जो है ना नेशनल एंथम गाए या परेड करे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज मैं बहुत लव इट करता हूँ आर्मी, कोई भी आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो नेपाल की हो। क्योंकि नेपाल की क्योंकि जो आर्मी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लूट में गा लेती है और बहुत अच्छा एफर्ट परफॉर्म करती है, तो इस वजह से मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बरबर मिल सके। साइड में इधर इधर ब्लॉग चैनल मिल जाएगा तो उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।